महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना का साथ बहुत पुराना है। दोनों चेन्नई सुपर किंग की टीम का अहम हिस्सा है। धोनी को जहां चेन्नई में सम्मान से थाला यानी मुखिया या अगुवाई करने वाला कहा जाता है, तो वहीं सुरेश रैना को चिन्ना थाला यानी कि छोटा मुखिया कहा जाता है। इन संबोधन पर रैना ने अपनी राय रखी है। दरअसल सूत्रों की माने तो उन्होंने एक बातचीत के दौरान बताया कि धोनी के साथ उनकी पहचान बहुत पुरानी है। 2003 के आसपास से वो बैंगलोर में एक दूसरे से कैंप में मिले थे। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी दोनों का आगाज लगभग एक ही समय रहा। हर्षा भोगले ने रैना से चेन्नई के लोगों द्वारा उन्हें और धोनी को दिए गए नामों थाला और चिन्ना थाला के बारे में पूछा। भोगले ने कहा, मैंने 2018 या 2019 के आईपीएल के दौरान धोनी से पूछा था कि चेन्नई के लोगों द्वारा दिए गए इस नाम के बारे में उनकी क्या राय है। इस पर धोनी बहुत भावुक हो गए थे। मैंने धोनी को बहुत कम भावुक होते देखा है। दरअसल इस पर रैना ने कहा, ये चेन्नई के लोगों का प्यार है जो उन्हें इन नामों से बुलाते हैं। यहां ऐसा है जो आप उम्र भर याद रखते हैं। उन्होंने कहा कि थाला और चिन्ना थाला ऐसा ही है जैसे शोले के जय और वीरू। ये सिर्फ प्यार और दुआएं हैं और इन्हीं वजह से हम खेल जज्बे से खेल पाते हैं। रैना ने धोनी की तारीफ करते हुए कहा कि वो खेल को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, वो मैच को पढ़ते हैं और उसी हिसाब से रिएक्ट करते हैं। शायद यही वजह है कि वो संयमित रहते हैं। रैना ने कहा कि धोनी ने अपने क्रिकेटी सफर में काफी कुछ सीखा और आगे बढ़ते गए। उन्होंने कहा कि विश्व कप 2007 की हार से उन्होंने काफी कुछ सीखा। रैना ने कहा, जब आप जीतते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन हार आपको काफी कुछ सिखाती है। इससे पता चलता है कि वो आपकी कप्तानी को लेकर कितना सीरियस है। खैर, आपको बता दें आईपीएल 2020 की तैयारी चेन्नई में पूरे जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है और सूत्रों की माने तो इसमें महेंद्र सिंह धोनी ने नेट पर काफी पसीना भी बहाते हुए नजर आए हैं। वहीं सूत्रों की माने तो धोनी अपने पुराने लय में नजर आए हैं और उन्होंने नेट पर काफी लंबे लंबे छक्के भी लगाने की कोशिश की है। अब देखना होगा 19 सितंबर से शुरू होने वाले आईपीएल में महेंद्र सिंह धोनी का पुराना वाला जलवा हमको देखने को मिलता है या नहीं। LD Newsroom की रिपोर्ट।